वेलकम दोस्तों, गुजराती चेस जोन में सभी का स्वागत है। आज स्पेशली हम देखेंगे पेट्रोव डिफेंस के अगेंस्ट कैसे खेला जाए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि पेट्रोव डिफेंस के सामने हम कैसे वाइट से खेल सकते हैं, तो उसके बारे में बहुत ही जबरदस्त अटैकिंग लाइन मैंने तैयार की है आपके लिए, तो ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको पूरे दो वीडियो देखने पड़ेंगे, एक तो ये वाला वीडियो और दूसरा इसके बाद का पेट्रोव डिफेंस पार्ट टू। तो चलिए पहले वीडियो में क्या क्या होना है और दूसरे वीडियो में क्या क्या होना है उसके बारे में देख लेते हैं। e4, e5, नाइट f3। अब ज्यादातर गेम्स नाइट c6 के ही डिपेंड है, लेकिन कुछ प्लेयर्स है वो नाइट f6 पेट्रोव डिफेंस लाते हैं। अब यहाँ पे व्हाइट प्लेयर कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे, मेन लाइन में जाए या नाइट टेक्स e5 या d3 करे या सिंपल नाइट c3 डेवलप करके सपोर्टेड करके धीरे धीरे गेम को आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक जबरदस्त अटैकिंग लाइन बताने वाला हूँ। ध्यान रखिए, दोनों वीडियो पूरे देखना दोस्तों, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको कोई भी ज्यादा अलग बातें चेस के अलावा की कोई भी नहीं मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो देखने से बहुत फायदा होगा। यहाँ पे आपको मेन लाइन में ही जाना है नाइट एक्स ई फाइव। और नाइट एक्स ई फोर एक कॉमन थ्रेट है जो ज्यादातर ब्लैक वाले नहीं खेलते, क्योंकि क्वीन ई टू देन नाइट एफ सिक्स और यहाँ पे एक ट्रैप है नाइट डी सी सिक्स चेक और डिस्कवर चेक के बाद आपको यहाँ पे क्वीन मिल जाती है ब्लैक की। ये ट्रैप सभी लोगों ने देखी भी होगी, इसीलिए इस ट्रैप के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपको सीखना है तो इतने मूव देख लीजिए। अगर यहाँ पे ब्लैक ने नाइट ई फोर किया तो यहाँ पे सिंपल आपको क्वीन ई टू करना है, आफ्टर नाइट रिमूव देन नाइट सी सिक्स और सिंपल विनिंग द क्वीन, क्योंकि अगर क्वीन बीच में लाए तो नाइट टेक्स क्वीन और बिशप इंटरपोज में नाइट टेक्स क्वीन ही हो रहा है। तो ये ट्रैप में ब्लैक प्लेयर फंसते नहीं है। तो मेन लाइन में ब्लैक जाते हैं तो d6 करते हैं। d6 के बाद यहाँ पे आपको खेलना है नाइट f3 वापस आफ्टर नाइट e4। यहाँ बहुत सारी मेन लाइन है जैसे कि d4 है, बिशप डेवलप, नाइट c3, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको यहाँ पे क्वीन e2 वही ट्रैप वाली मूव के लिए। अब ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन है क्वीन e7, क्योंकि नाइट f6 पॉसिबल नहीं है और d5 से सपोर्ट किया तो सिंपल d3 एंड विनिंग द नाइट, आपको नाइट सिंपल मिल रहा है विनिंग नाइट। तो फोर्स मूव है क्वीन e7। दोस्तों इतने मूव तो सभी को आ जाएंगे कि इतने मूव तो होने वाले ही है। अब यहाँ पे आपको d3 खेलना है और d3 के बाद ब्लैक के पास एक ही बेस्ट चॉइस होता है नाइट f6। अब दोनों की क्वीन आप देख सकते हो कि आमने सामने है, दोनों के बिशप भी बंद है, ब्लैक का भी बिशप बंद है। तो यहां से सबसे बेस्ट मूव व्हाइट के लिए, हमें क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी है, बिशप e3 ये बेस्ट चॉइस है। चलिए यहाँ पे कितने प्लान्स हो सकते हैं ब्लैक के लिए। तो पहला मेन प्लान है g6, बिशप g7 देन कैसल, और दूसरा जो प्लान है यहाँ पे सिंपल nc6 और बिशप g4 और लॉन्ग कैसल, दोनों प्लान है, पर मोस्ट कॉमन प्लान है nc6 लॉन्ग कैसल वाला। तो इसी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ब्लैक खेलेगा nc6, यहाँ आपको रिप्लाई देना है नाइट टू c3 एंड बिशप टू g4, ये पिनिंग वाला आइडिया। यहाँ आपको सबसे पहले इस पिनिंग को हटाना है तो h3। चलिए h3 के रिप्लाई में वाइट के पास कितने रिप्लाई है, एक तो है बिशप टू h5, दूसरा रिप्लाई है बिशप टेक्स नाइट, तीसरा रिप्लाई है बिशप टू f5। ये तीन बेस्ट रिप्लाई होते हैं। अब तीनों रिप्लाई के सामने मैं आपको जबरदस्त टेक्निक बता रहा हूं। पहले देखते हैं बिशप h5। बिशप h5 में यहां आपको खेलना है g4, अनदर अग्रेसिव अटैकिंग मूव। फोर्स मूव है बिशप टू g6 और यहां फिर से शॉकिंग मूव है g5। दोस्तों अब ब्लैक के नाइट के पास ओनली तीन बेस्ट चॉइस है, सबको दिख रही है नाइट d7, नाइट g8 एंड नाइट h5। चलिए यहाँ पे नाइट d7 सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, आपको इस ट्रैप इसमें आपको ब्लैक की क्वीन मिल जाएगी, फोर्सफुली क्वीन मिलेगी। नाइट d7 अगर ब्लैक खेलता है तो यहाँ खेलना है नाइट d5। देख सकते हो क्वीन e6 पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ नाइट fc7 और फोर्क आ रहा है। क्वीन e5 में नाइट अटैक कर रहा है, क्वीन d4 में पॉन टेक्स क्वीन मर रही है, तो फोर्स रिप्लाई होगा क्वीन d8 और इसके बाद
अनदर अग्रेसिव अटैकिंग मूव नाइट टू एफ सेवन सैक्रीफाइस। अब देखो यहां पे ब्लैक कंप्लीटली लॉस हो रहा है क्योंकि क्वीन टेक्स एफ सेवन, अगर किंग मूव करता है तो सिंपल आपको नाइट टेक्स रुक मिल रहा है। और यहां पे मान लो कि क्वीन टेक्स नाइट किया तो सिंपल आपको ब्लैक की क्वीन मिल जाएगी विद डिस्कवर अटैक, डिस्कवर चेक, बिशप टू बी सिक्स चेक और यहां पे क्वीन। तो दोस्तों ये नाइट डी सेवन वाला मूव था। यहां पे हमने देखा जी फाइव के बाद अगर ब्लैक नाइट डी सेवन खेलता है तो आपको उसकी क्वीन मिलेगी। दूसरा जो ऑप्शन है नाइट जी एट, नाइट जी एट में क्या होता है, यहां आपको खेलना है नाइट डी फाइव, क्वीन डी सेवन और फिर से डिस्कवर चेक बिशप टू बी सिक्स आफ्टर बिशप ई सेवन, बिशप ई सेवन में सिंपल नाइट सी सेवन चेक और फोर्क से आपको रुक मिल रहा है। तो अगर ब्लैक खेलता है किंग टू डी एट तो किंग डी एट में भी आपको नाइट टेक्स एफ सेवन करना है, फिर से रुक पे अटैक, और अगर रुक सी एट डिफेंड किया तो उसके बाद नाइट टू ई सिक्स विथ डबल चेक और ये गेम कम्प्लीटली व्हाइट जीतेगा ही जीतेगा क्योंकि फिर से किंग को डबल चेक है तो इधर ही आना पड़ेगा और आफ्टर नाइट जी सेवन डबल चेक फिर मेट। तो दोस्तों ये थी नाइट जी एट वाली मूव। तीनों मूव ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है गेम खेलने में, बहुत मजा आएगा। जी फाइव के बाद नाइट डी सेवन में क्वीन मिल रही है, नाइट जी एट में आपको फिर से अटैक मिल रहा है। क्या होता है अगर नाइट टू एच फाइव आता है तो नाइट एच फाइव में आपको सिंपल नाइट एच फोर करना है। आइडिया बिहाइंड दिस मूव नाइट टेक्स बिशप और बिशप टू जी टू। चलो नेचुरल मूव ब्लैक के लिए यहां एक ही होनी चाहिए, ओनली वन इज लॉन्ग, बट आफ्टर बिशप टू जी टू आप फिर से एक थ्रेट दे रहे हो बिशप टेक्स नाइट। तो यहां पे क्वीन डी सेवन डिफेंड करना जरूरी है और बिशप एफ थ्री टोटली ब्लैक विल लॉस द पीस क्योंकि नाइट को ना तो कोई सपोर्ट आने वाला है और उसके लिए कोई स्क्वायर भी बच नहीं रहा है। तो दोस्तों ये थी नाइट एच फाइव वाली मूव। तो ये तीनों मूव आप रेडी कर लीजिए, मेरे अगले वीडियो में मैं आपको और भी मूव्स बताने वाला हूं। ध्यान रखिए ये तीन मूव्स किसके लिए थे, बिशप टू एच फाइव। तो ये सारे वेरिएशन बिशप एच फाइव के बाद होते हैं और अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बिशप टू एफ फाइव और बिशप टू एफ थ्री। तो ये तीनों मूव्स सीखने के बाद आपका अगेंस्ट पैटर्न ऑफ डिफेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैं जानता हूं कि इसके ज्यादा कोई मूव है ही नहीं, लेकिन इतने मूव्स फोर्स ध्यान रखिए जो हमने खेले हैं उतने फोर्स मूव है अगेंस्ट पैटर्न ऑफ डिफेंस। नाइट ई फाइव, क्वीन यहां पे डी सिक्स, नाइट ई फोर गलत है तो ट्रैप मैंने बता दिए वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन डी सिक्स के सामने आपको खेलना है नाइट एफ थ्री, आफ्टर नाइट ई फोर क्वीन ई टू, उसके बाद क्वीन ई सेवन फोर्स है और यहां आपको खेलना है डी थ्री, नाइट एफ सिक्स बिशप ई थ्री। देखिए दोस्तों इसमें कोई आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फोर्सफुली मूव आ रहे हैं सारे। जी सिक्स आपको एक बताया लेकिन जी सिक्स ज्यादा अच्छा मूव नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोग जी सिक्स नहीं खेलते। नाइट सी थ्री देन क्वीन डी टू लॉन्ग कैसल और बाद में बिशप जी फोर वगैरह बहुत सारे मूव आते हैं, इसलिए जी सिक्स मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। यहाँ पे होना चाहिए लॉन्ग कैसल या नाइट सी सिक्स, तो नाइट सी सिक्स देन नाइट सी थ्री और सेम टाइम यहाँ पे आपको कैसल करने से पहले बिशप पे अटैक करना है। अब बिशप के लिए तीन मूव है, एक तो बिशप एफ फाइव, बिशप एच फाइव और बिशप टेक्स एफ थ्री। तो बिशप एच फाइव वाला जो सारे वेरिएशन है वो आज हमने खत्म कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाद दोनों के मूव में बता दूंगा ताकि आपका पैटर्न ऑफ डिफेंस क्लियर हो जाए और व्हाइट से आप बहुत ही खुशी खुशी अगेंस्ट पैटर्न ऑफ डिफेंस खेल सको। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।